जैसे हम फिजिक्स में एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, वैसे ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में कुछ ग्रीक लेटर्स हैं जिनसे हम कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स को डिनोट करते हैं। आज हम जानेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को मास्टर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस ग्रीक अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन की प्राइसिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। हाय, आई एम ऋषभ शर्मा, दिस इज एस्प्रेसो बूट कैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑप्शंस ग्रीक का यूज किस लिए होता है, ऑप्शन ग्रीक्स कैसे काम करते हैं, क्यों ये ग्रीक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज ऑप्शन ग्रीक्स। द प्राइस ऑफ ऑप्शन इज नथिंग बट द प्रीमियम पेड बाय द ट्रेडर। दिस प्रीमियम डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। द मेजर्स ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक अल्फाबेट्स लाइक डेल्टा, गामा, वेगा एंड थीटा। They help traders to identify when their option positions need to be rebalanced. Greek alphabets कभी भी अकेले काम नहीं करते, वो हमेशा evolve करते हैं, और अगर एक में change आता है तो बाकी सारों को भी influence करते हैं। Volatility, time और moneyness का भी effect option Greeks पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। Let's begin with delta. Delta बताता है कि option contract का price कितना change होगा अगर underlying stock का price बदलेगा तो। डेल्टा वेरीज बिटवीन 0 टू 1 फॉर कॉल ऑप्शंस एंड -1 टू 0 फॉर पुट ऑप्शंस। व्हेन डेल्टा इज क्लोज टू 1, द ऑप्शन बिहेव्स लाइक इट्स अंडरलाइंग एसेट एंड वाइस वर्सा व्हेन इट अप्रोचेस 0। एट द मनी कॉल ऑप्शन का डेल्टा टिपिकली 0.5 होता है। जब एक्सपायरेशन पास आता है, इन द मनी कॉल ऑप्शन का डेल्टा क्लोजर टू 1 होता है, और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन का डेल्टा नियरली 0 होता है। व्हेन वोलेटिलिटी राइजेज, ITM options fall towards 0.5 and OTM options rise towards 0.5. Put option deltas behave exactly opposite to call option delta. Volatility के साथ option के moneyness का भी प्रभाव पड़ता है option के delta पर। ध्यान रखिए दोस्तों कि ATM option का delta 0.5 होता है, ITM option का delta 0.5 से ज़्यादा होता है और OTM option का delta 0.5 से कम होता है। अब बात करेंगे गामा के बारे में। डेल्टा में होने वाले बदलाव को गामा बताता है। गामा मेजर करता है डेल्टा में होने वाले चढ़ाव और उतार को स्टॉक के प्राइस के फ्लक्चुएशंस की वजह से। कम समय वाले ट्रेड्स में गामा सबसे बड़ा एटीएम ऑप्शंस का होगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरेशन में जितना टाइम होगा, आईटीएम और ओटीएम ऑप्शन का डेल्टा 0.5 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती रहती है। पर जैसे एक्सपायरेशन का समय नज़दीक आएगा, वैसे ही ITM और OTM ऑप्शन के डेल्टा 0.5 से दूर जाएंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी अब कम हो रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्रीक, दैट इज थीटा। दोस्तों, हम जब कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम समय के साथ कम होता जाता है। ये प्रीमियम कितना कम होगा उसको मेजर करता है थीटा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के डिके इन टाइम वैल्यू को थीटा बोलते हैं। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो थीटा भी बढ़ता है, और इसीलिए ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ता है। जैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरेशन का समय आता है, वैसे एटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स का थीटा भी बढ़ता है। एटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स का थीटा डिके सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन के मनीनेस का भी इफेक्ट थीटा पर पड़ता है। थीटा फ्लक्चुएट करता है जैसे ऑप्शन इन एंड आउट ऑफ द मनी होता है। एंड द लास्ट ग्रीक इज वेगा। वेगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को मेजर करता है। कम समय वाले ऑप्शंस का वेगा ज़्यादा समय वाले कॉन्ट्रैक्ट से कम होता है। जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ती है, वैसे वैसे वेगा भी बढ़ता है। एटीएम ऑप्शंस का वेगा सबसे ज़्यादा होता है, जबकि आईटीएम और ओटीएम ऑप्शंस का वेगा कम होता है। किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने से पहले दोस्तों, उसका वोलेटिलिटी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर बड़ा लाभ करना है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो फिर ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से समझ लेना और उस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। टेल अस व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all the related documents carefully before investing.